हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ जो कि सभी यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो कि सभी यूट्यूबर्स को अभी ये प्रॉब्लम आ रही है जो कि यूट्यूब स्टूडियो बीटा वर्जन जो अभी न्यू आया हुआ है। आप सभी जानते होंगे कि क्लासिक यूट्यूब स्टूडियो क्लासिक हट चुका है और बीटा वर्जन आ चुका है, जिसमें सभी को अभी प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी स्टूडियो बीटा में सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर में जो वर्क कर रहे हैं उनका सही से वर्क कर रहा है, और जो फ़ोन में चलाते हैं अपना यूट्यूब चैनल यूज करते हैं, अपना फ़ोन से ही यूज करते हैं, क्रोम ब्राउज़र से चलाते हैं, उनका प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि क्रिएटर स्टूडियो तो हट गया है, बीटा वर्जन में चल रहा है तो बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे कि कोई टैब ओपन नहीं हो रहा है, इतना सारा फंक्शंस है, किस तरह से किसी भी किया हुआ है सबको समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो भी वास्तव में अपना देखना चाहते हैं तो नहीं देख पा रहे अपना फ़ोन से, बहुत कोई के पास पीसी नहीं होता है, लैपटॉप नहीं होता है, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वॉच टाइम भी नहीं देख पा रहे हैं अपना, और बहुत सारा टैब को फ़ोन से क्लिक भी नहीं हो रहा है। लेकिन पीसी से कोई वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, पीसी या फिर लैपटॉप से कोई भी कम प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, सिर्फ फ़ोन से ही प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसा क्यों? तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। और अगर आप चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, मैं कट करके। जैसे कि सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब में जाता हूँ, क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ओपन करता हूँ जो आप सभी जानते होंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर है यूट्यूब स्टूडियो बीटा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बीटा स्टूडियो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन जैसे कि हम लोग पहले करते थे, यो चैनल में जाते हैं और वहाँ से क्रिएटर स्टूडियो ओपन करते थे, तो यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो आता था, लेकिन यहाँ पर अब नहीं आ रहा है, बीटा आ रहा है। तो हम यहीं पर क्लिक कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, आपको सारा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा कि आप अपना मोनेटाइजेशन टैब में कहीं जाएंगे, अपना वॉच टाइम कैसे देखेंगे, और ये जो सारा प्रॉब्लम्स है कि बहुत सारा ऑप्शंस टैप नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर शो हो रहा है सारा सब्सक्राइबर, शो हो रहा है यहाँ पर ऊपर में टोटल सब्सक्राइबर कितना है, और यहाँ पर वॉच टाइम शो हो रहा है और व्यूज भी शो हो रहा है। लेकिन ये वॉच टाइम और व्यूज है लास्ट 28 डेज का है, तो अगर बहुत कोई का टोटल जानना होगा कि टोटल वॉच टाइम कितना हो रहा है तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत कोई इस प्रकार से यहाँ पर आते होंगे और यहाँ पर क्लिक करते होंगे अदर फीचर्स में, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मोनेटाइजेशन का टैप है, यहाँ पर अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इस प्रकार से क्लिक हो ही नहीं रहा है। और एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लिक हो ही नहीं रहा है। इस प्रकार से सारा इतना सारा फंक्शंस जो हम क्रिएटर स्टूडियो से जाते थे पुराना वाला में, इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ देखिए सारा मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं कहीं काम नहीं कर रहा, बस एक सिंपल ये वाला काम करेगा ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, तो ये वाला कोई काम का तो है नहीं उतना, तो वहाँ पर क्लिक करके फ़ायदा नहीं है। तो इतना सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। देखिए ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं अपना फ़ोन से ही मैनेज करते हैं, अपना लैपटॉप और पीसी में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। लेकिन फ़ोन पे ही प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, जबकि ज़्यादातर कोई अपना फ़ोन से यूज करते हैं, जिनके पास लैपटॉप भी होता है वो भी अपना फ़ोन से यूज करते हैं, वो बार बार अपना लैपटॉप ओपन नहीं करते, लैपटॉप या फिर पीसी में ओपन नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है। सब कोई अपना फ़ोन से ही करते हैं, ज़्यादातर कोई अपना फ़ोन से ही करते हैं, और फ़ोन में ही प्रॉब्लम होगा तो फिर कैसे होगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, देखिए वीडियो को पूरा देखते रहें, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप क्रिएटर स्टूडियो वापस से कैसे पा सकते हैं पुराना वाला, और अगर आप क्रिएटर स्टूडियो पुराना वाला पा लेते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग क्रिएटर स्टूडियो कैसे पा सकते हैं उसको बताऊंगा, और अपना वॉच टाइम कैसे देख सकते हैं, मोनेटाइजेशन टैब में कैसे जा सकते हैं, सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर सारा कुछ शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है,
नीचे में देखिए एक लोगो होगा रन का, जो पहले नहीं था अभी न्यू आया हुआ है, ये रन का लोगो है, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। एक आदमी दौड़ रहा है, उस प्रकार का लोगो है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा फीचर्स है, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, अदर्स पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। ये फीचर्स जो है सिंपली कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा रहा है कि आपको किस रीजन से पुराना वाला जो क्लासिक स्टूडियो है, स्टूडियो क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो, वो आपको किस रीजन से चाहिए और इसमें बीटा में क्या प्रॉब्लम दे रहा है। तो सिंपली आपको इतना इतना सारा दिया हुआ है, आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, आपको लास्ट वाला ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है, इस प्रकार से आपका आएगा। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सिंपली डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है, इस प्रकार से आएगा। उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट ओपन करना है। देखिए यहाँ पर सिंपली क्रिएटर स्टूडियो पुराना वाला ओपन हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से पहले जिस प्रकार जाते थे, उस प्रकार से आप अपना मोनेटाइजेशन टैब में जा सकते हैं और वॉच टाइम देख सकते हैं। सारा फीचर्स यहाँ पर देखिए अप टू डिफॉल्ट ब्रांडिंग एडवांस सारा कुछ आ रहा है। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है वॉच टाइम वगैरह। देखिए मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ, जैसे कि हम क्रिएटर स्टूडियो में हैं, आपको फेक ना लगे वीडियो, वीडियो एकदम ओरिजिनल है। आपको यहाँ रन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, अदर पे जाना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार का होगा। देखिए मेरा यहाँ पर इस प्रकार का एक बार बफरिंग ले रहा है, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वाला यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाए, लेकिन सब ऐसा नहीं होता है। सिंपली उसका एक बार इस प्रकार से लोडिंग लेता है और ऑटोमेटिक खुल जाता है। मेरा में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने दूसरा फ़ोन में ट्राई किया तो बहुत ही अच्छे से हो जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कई अगर ऐसा होता भी है तो क्या बात है, हो तो जा रहा है ना, हमको पुराना वाला क्रिएटर स्टूडियो मिल तो जा रहा है ना, तो क्या दिक्कत है। देखिए आपको इस प्रकार से बहुत ही सिंपल प्रोसेस, आपको पुराना वाला क्रिएटर स्टूडियो मिल चुका है। तो उसके बाद आप यहाँ से सारा फंक्शंस में जा सकते हैं। तो और एक बात बोलना चाहूँगा कि आप एक बार करके सारा ऑप्शंस में जरूर क्लिक कर दीजिएगा वहाँ पर जाके, क्योंकि बहुत कोई को प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ज़्यादातर कोई अपना एप्लीकेशन से यूज करता है, ठीक है, अपना क्रोम ब्राउज़र में जाके अपना चैनल यहाँ से अपना यूज करता है। लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में यूज करना तो बहुत ही आसान तो होता है, लेकिन टाइम बहुत जाता है, इसलिए ज़्यादातर कोई इसी से यूज करता है और इसी में प्रॉब्लम दे रहा है। देखिए जैसे कि हम यूज करेंगे ये वाला बीटा वर्जन, सही से बहुत सारे बग्स है इसमें, जैसे कि हम लोग कभी कभी अटक जाता है, उसके बाद ऐसे इधर इधर साइड जो हो रहा है इधर होता ही नहीं, उसके बाद हैंग कर रहा है। देखिए इतना सारा जो हैंग कर, देखिए इस प्रकार अटक गया। देखिए अब मैं कितना भी इधर इधर करूँ अटक गया, इतना सारा प्रॉब्लम दे रहा है, हैंग कर रहा है इस प्रकार से, और मैं इस प्रकार से भी करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अटक गया, हर बार प्रॉब्लम दे रहा है। इसीलिए मैं बता, देखिए मैं वीडियो में बताते बोलते ये अटक गया, इतना सारा प्रॉब्लम दे रहा है, और जाता भी है तो हैंग करके जाता है, इतना सारा प्रॉब्लम दे रहा है। तो आप लोग वहाँ पर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हम लोग को बीटा वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है इसमें, हम लोग को पुराना वाला क्रिएटर स्टूडियो अच्छा लगता है। और एक बार बताना चाहता हूँ कि बहुत कोई को प्रॉब्लम हो रहा है, कि मतलब कन्फ्यूजन्स हो रहा है कि क्या अगर हम लोग पुराना वाला क्रिएटर स्टूडियो ही यूज करते हैं तो क्या हम लोग को कोई प्रॉब्लम होगा, मतलब कि अभी नया वाला बीटा वर्जन आया हुआ है तो बहुत कोई कन्फ्यूजन तो होगा ही कि पुराना वाला हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी नया आ चुका है, सब कोई नया यूज कर रहा होगा, उसमें बहुत सारा फीचर्स अलग अलग होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानिए ऐसा कुछ नहीं है, जितना फंक्शन नया वाला बीटा वर्जन में उतना ही फंक्शन पुराना वाला में ही है, बस उसमें कुछ एडवांस टेक्निक से बनाया गया है, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। अभी जो प्रॉब्लम दे रहा है, आई होप कुछ दिन में वो जितना भी बग्स है इस प्रकार से अटक जा रहा है, ये सारा बग्स ठीक कर दे यूट्यूब, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक ये बग्स टिकेगा। तो आई होप ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, फिर भी अगर आपको अगर पड़ता तो आप क्लासिक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले।